तो भैया जी दिल्ली स्टूडियो से निकले तो बिहार में आके रुके हैं। अब बिहार में काहे रुके हैं जानते हैं भैया जी? दिखाएंगे खबर। खबर क्या है? भैया जी पूछेंगे सवाल और मुखिया जी देंगे जवाब। 5 साल किया काम या किया खूब आराम? चुनाव का आगाज है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 का आगाज हो चुका है और चुनाव का मतदान भी होगा। वोटों की ताकत से एक बार फिर से आपको मुखिया चुनने का मौका मिला है, तो इस बार कोई भूल चूक नहीं, ध्यान रखिएगा, इस बार कोई भूल चूक नहीं। घरों से बाहर निकलिए और अपने पसंदीदा मतदाता बनकर पसंदीदा उम्मीदवार को जिताइए। यही आपसे एक बार कहने के लिए भैया जी सड़क पर है। तो आज हम आप पहुंचे हैं पूर्णिया जिला के बहुरा में। बहुरा है सरसी बुढ़िया के पास, बहुरा पंचायत, जहां हम आप पहुंचे हैं और मुखिया जी से पहले उनका नाम पूछेंगे और तब काम पूछेंगे और तब आप लोग दीजिएगा दाम। क्या नाम है आपका? फूल देवी। अच्छा, 5 साल काम किए हैं। चलिए मुखिया प्रतिनिधि से भी आप जानते हैं, क्या नाम है वो? मेरा नाम जवाहरलाल मुर्मू है सर। जवाहर मुर्मू। जवाहर मुर्मू जी ये बताइए, 5 साल किए काम की खूब किया आराम? जी मैंने अपने ग्राम पंचायत भोरा में हर एक जगह काम किया, सड़क बनवाया, गली नाली का जो काम मिला हम लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा प्राथमिक योजना से मैंने गली बनाया, इसके बाद नल लगवाया है सर। और बाद बाकी जो हमने वृद्धा पेंशन दिलवाया 60 वर्ष के उम्र के बूढ़ा एवं बूढ़ियों को, और जो भी हमसे बचा हुआ काम बाकी है मैं जीतने के बाद और काम बाकी करूँगा मैं। चलिए, वादे तो खूब होते हैं, चाशनी में लपेट लपेट के बोला जाता है, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के समय तो वादा नहीं होगा तो कैसे आप धोखा खाइएगा। तो इस बार धोखा नहीं खाना है, चुनना है, चाहे वह पहले का मुखिया हो या नया मुखिया हो, चुनिएगा तो आप ही। और अपना मुखिया अगर काम किया हो तो एक बार दाम देकर दोबारा जिताइएगा। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो मुखिया को मानते हैं? मुखिया का क्या नाम है? कुछ काम वाम करती है? क्या काम करती है? सड़क बनवाया है, पानी वानी पहुंचता है, बच्चा सबको शिक्षा के लिए, अस्पताल अस्पताल जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होता है? होता है, जो अस्पताल है वहाँ पर दवाई दारू सब बढ़िया मिलता है, मिल जा रहा है, नहीं होता है? नहीं मिले छो? मिले छो? नहीं मिले छो? तो मुखिया कह लो कि अस्पताल में दवाई दारू नहीं मिले छो, तनी व्यवस्था करवाब? नहीं कह लो? अब की बार कहब ना? नहीं कहब? किया नाराज छो? देखिए नाराजो है। अच्छा आप बताइए, अस्पताल में जाते हैं कभी? अच्छा, मतलब वहाँ कुछ है व्यवस्था? ठीक है, ठीक है। तो देखिए सवाल है तो जवाब तो ढूंढेंगे। अब मुखिया जी ये बताइए कि यहाँ कुछ अस्पताल में समस्याएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है PHC, वहाँ पर क्या स्वास्थ्य सेवा में क्या व्यवस्था आप इस बार दुरुस्त कीजिएगा? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो है यहाँ पर, मतलब छोटा सा हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं उसको। जी जी वो है, लेकिन वहाँ पर सुविधा नहीं है उतना अच्छा, लेकिन इस बार करवाएंगे हम। जीत कर आएंगे तो उसको भी दुरुस्त कर देंगे, ध्यान रखिए। क्या नाम है विद्यार्थी? किशोर कुमार मुर्मू। हाँ मुर्मू जी, क्या परेशानी है इस पंचायत में? परेशानी तो सर नहीं है कि हम लोगों को मुखिया बहुत सुविधा दिया है। बहुत सुविधा दिया है? जी हाँ, जहाँ पे सड़क नहीं था वहाँ पे सड़क बनवाया और नल में पानी दिया, और भी बहुत कुछ सुविधा। ये देखिए वो विद्यार्थी और है, क्या नाम है वो? सर मेरा नाम गुरु प्रसाद मुर्मू। मुर्मू है? हाँ जी सर। पढ़ा लिखा है? हाँ सर। अच्छा, क्या विकास पास हुआ है? विकास तो सर हुआ है। खूब हुआ है? खूब हुआ है, जो बच्चा है तो पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन हुआ है। और होगा? और होगा, उम्मीद है। उम्मीद है। क्या नाम है वो? ठीक है, चुन्नू हालदार सर। हाँ मेरा नाम है। अच्छा, इस पंचायत में समस्या क्या है ये बताइए? काम तो ढेर हुआ। समस्या तो काम तो बहुत किया है, लेकिन समस्या जो वो बताइए। ये समस्या है वो तो दूर करता ही कर रहा है। अच्छा, मगर फिर इजाजत मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ेगा। देखिए बढ़िया सवाल है, जनता भी कहती है कि चूंकि ये देखिए संथालों का बस्ती है और वहाँ अति पिछड़े लोग यहाँ पर हैं,
शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है। यातायात आपको हम दिखाएंगे, जरा ये हो हमारे कैमरामैन प्रफुल्ल भाई को हम कहेंगे कि दिखाने के लिए, देखिए आइए जरा, देखिए ये जो यातायात व्यवस्था है, ये देख रहे हैं ढलैया, इस ढलैया को देखिए, ये गांव की सड़क है। पहले गांव की सड़कों में हम आपको बताना चाहेंगे कि गांव की आप तरफ पैर नहीं रख सकते थे, बिहार के गांव की गलियों में जाना तो संभव ही नहीं था, लेकिन नीतीश बाबू के राज में इतना जरूर हुआ कि सड़क नली गली हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, तमाम योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और अब हर गांव तक सड़क पहुंचती है, बल्कि गांव तक ही नहीं गली गली तक सड़क पहुंच गई है। और यह बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है, किसी भी विकास के लिए सड़क का होना, मजबूत होना बेहद जरूरी है, जो यहां देखने को मिल रही है। साथ में यहां के लोगों का कहना है कि जो विकास हमारे मुखिया जी ने किया है वह आगे भी होगा अगर जीत के आएंगे तो। जीत कर वो तभी आएंगे जब आप अपने वोट का ताकत से उन्हें एक बार फिर से वोट देंगे, और यह आवश्यक भी है। चलिए एक बार और पूछते हैं मुखिया प्रतिनिधि से, ये बताइए अगर आप जीत गए तो पहला काम कौन सी कीजिएगा? सबसे पहले तो सर मैं पहला काम यही करूंगा, जो हमसे छोटा हुआ काम है उसको मैं पूरा करूंगा, जिससे जो तो आपके नजर में कौन सा काम छूट गया है बताइए? मेरे नजर में शिक्षा विभाग छूट गया है, बाल बच्चे सब जो है अभी हमारे यहाँ जो है अभी जैसे आंगनवाड़ी केंद्र वो नहीं है, वो मैं लाऊंगा यहाँ पर। इनका कहना है कि आंगनवाड़ी, बहुत अच्छा बात बोले हैं कि शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी का गांव में बहुत बड़ा योगदान होता है, जहाँ पर पोषक तत्व बच्चों को खिलाया जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करवाई जाती है, आंगनवाड़ी एक तरह से समुचित वह जगह है जहाँ आप शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर चीज आपको मिल जाता है, और उसको सुदृढ़ करने का निर्णय मुखिया प्रतिनिधि यानी मुखिया जी ने कर लिया है, फूल कुमारी मुखिया है यहाँ की, जिन्होंने कर लिया है। देखना होगा कि आखिरकार 5 साल मुखिया ने किया काम तो क्या जनता उसे देगी दाम। जनता को भी सोचना होगा कि अगर हमारे मुखिया ने 5 साल किया है काम तो उनको मिल जाए उनका दाम, और दाम तो तभी मिलेगा जब आप उनको वोट देंगे। वोट देने की अपील हम जरूर आपसे करेंगे, खेत पर जाने से पहले, दुकान खोलने से पहले, रोजी रोजगार जाए से पहले, ये बात का ध्यान रखिए, जब भैया जी ला तोरा लूंगा तो तोरा वोट देवे ला जाना छ मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र पर जब तभी वोट पड़ते, और वोट पड़ते बढ़िया तो चुनबा बढ़िया मुखिया, बढ़िया सरपंच, बढ़िया जिला पार्षद, बढ़िया वार्ड सदस्य, तो अब तोरा हाथ में छ, कारण कि हम कहे छे आपका चुनाव और आपकी ताकत, तो वोटों की ताकत दिखाइए निकलकर, अगर हम आपके बीच आए हैं तो सिर्फ आपके लिए, और आप भी दिखाइए अपनी वोटों से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताकर, इस चुनाव में अपने वोट का उपयोग आप जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कराएं, अपने परिवार के सदस्यों को भी कराएं, खेत खलिहान दुकान रोजी रोजगार व्यवसाय पर जाने से पहले वोट डालने जरूर जाएं, पसंदीदा उम्मीदवार को जरूर जिताएं। यदि आपका मुखिया 5 साल किया काम नहीं किया है आराम तो दे दीजिए उनको उसका दाम, अन्यथा नया चेहरा नई उम्मीदवारों को जरूर चुनिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले सोचिए परखिए, और परखने की इस कसौटी पर अगर खरा उतरे आपका मुखिया तो उसे वोट भी जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए, एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।